भारत आज एक विश्व शक्ति के रूप में निकलकर सामने आ रहा है, जहां हर एक देश भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है। अमेरिका, जापान, फ्रांस और सऊदी अरब जैसे देशों में भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं। भारतीय त्योहारों को मनाया जा रहा है, हिंदू धर्म के मंदिर बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा भारतीय लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जा रहा है। पर कुछ कट्टरपंथी लोगों के कारण भारत और अन्य देशों में शांति भंग हो रही है। इसी के चलते एक और देश निकलकर सामने आया है, जिसने भारत के साथ अपनी दोस्ती का प्रमाण देने के लिए कुरान को अपने देश से निकालने की बात कही है। क्या है पूरी कहानी, आपको बताएंगे इस वीडियो में। क्या आप जानते हैं कि वह कौन सा देश है जिसने कुरान को बैन करने की बात कही है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत में रहने वाले कुछ कट्टरपंथी धर्म के लोग, या यूं कहें कि इस्लाम धर्म को मानने वाले कुछ कट्टरपंथी लोग, आए दिन किसी ना किसी कारण से देश को हानि पहुंचाने का काम करते हैं। हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाई दंगे करवाते हैं। इसके अलावा आतंकी संगठनों का साथ देकर देश की आंतरिक शांति को भंग करते हैं। ऐसा भारत के अलावा अन्य देशों में भी हो रहा है। ऐसे में एक भारत देश का दोस्त बनकर सामने आया है, जिसने अपने देश में कुरान को बैन करने की बात कही है। क्या है पूरी बात, बताएंगे आपको इस वीडियो में। दरअसल नीदरलैंड के गीट वाइल्डर्स नाम के एक व्यक्ति ने अपने देश में कुरान को बैन करने की बात कही है। यह बात उन्होंने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कही। आपको बता दें कि गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड में एक बड़े नेता के रूप में निकलकर सामने आए हैं। उनकी फ्रीडम पार्टी को 37 सीट मिली हैं, जो अन्य किसी पार्टी से ज्यादा हैं। सुर्खियों में चल रहे गीट वाइल्डर्स ने कहा कि यदि मैं प्रधानमंत्री बनता हूं तो कम से कम नीदरलैंड में कुरान बैन कर दूंगा। यह ऐलान उन्होंने तब किया जब पूरे यूरोप के देशों में मुस्लिम शरणार्थियों को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और इनको जीत भी मिल गई है। इसके अलावा भी गीट वाइल्डर्स ने भारत का साथ दिया है। आपको बता दें कि नूपुर शर्मा केस में एक साल पहले गीट वाइल्डर्स अकेले भारत का साथ देते हुए लाखों मुस्लिमों से भिड़ गए थे। जब अरब देश भारत और नूपुर शर्मा के खिलाफ एक साथ मिल गए और उन पर शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे थे, तब गीट वाइल्डर्स ने इंटरनेशनल स्तर पर भारत और नूपुर शर्मा का साथ दिया था। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके यह भी कहा था कि नूपुर शर्मा एक हीरो है, उन्होंने सच के अलावा और कुछ भी नहीं बोला, उनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। उन्होंने लिखा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, भारत सरकार इस्लामिक कट्टरपंथी नफरत और हिंसा के खिलाफ हिंदुओं की दृढ़ता से रक्षा करने के लिए बाध्य है। उनके इस बयान के बाद नीदरलैंड के मुस्लिमों ने उनकी काफी आलोचना भी की थी। लेकिन अब गीट वाइल्डर्स नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। गीट वाइल्डर्स बीते कुछ सालों में इस्लाम के विरोध में बयान देते नजर आए हैं। उन्होंने अपने चुनावी प्रचार के दौरान पब्लिक में हिजाब पहनने को गैर कानूनी बताया है। उन्होंने मस्जिद और कुरान को बंद करने की बात भी कही है, जिसके वीडियो बहुत वायरल हुए। इसके अलावा भी इनके कई बयान सामने आए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मुस्लिम देशों को भारत को सलाह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वे खुद कट्टरपंथी कानूनों को लोकतंत्र के ऊपर रखते हैं। गीट वाइल्डर्स ने मुसलमानों को लेकर भी एक चेतावनी जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसे मुसलमान नीदरलैंड छोड़कर चले जाएं
जो देश के कानून से ऊपर कुरान को मानते हैं। इन लोगों को मुस्लिम देश में जाकर रहना चाहिए। गेट वाइल्डर्स ने कहा, यदि आप हमारे देश के संविधान को नहीं मानते तो यह जगह आपके लिए नहीं है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो देश से ज्यादा कुरान को मानते हैं। ऐसे लोगों को मैं गुड बाय कहता हूं। ये लोग जाकर उन्हीं इस्लामिक देश में रहें जहां कुरान के नियम देश से ऊपर हैं। उनके इस बयान की वजह से कट्टरपंथी लोगों ने बहुत कोशिश की है कि गेट वाइल्डर्स प्रधानमंत्री ना बने, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो मुस्लिमों के लिए यहां रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इनकी नीदरलैंड में लोकप्रियता को देखकर लगता है कि यही यहां के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपके इस बारे में क्या विचार हैं? कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।